ये हूँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घोस्ट हंट करते हुए ऑन अ प्लेस जिसको बोला जाता है दिल्ली की मोस्ट हॉन्टेड जगह, एंड ये सब कुछ हो रहा है एक लाइव स्ट्रीम के ऊपर। सो आज से एक हफ्ते पहले जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो वहां पर मैंने सर्च किया दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में, एंड मैं ये प्लेसेस के बारे में पढ़ने लगा, एंड तभी मेरे को एक वेबसाइट मिली जहां पे दिल्ली के 15 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में लिखा था, और उनमें से एक जो जगह थी वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई। ओके, सो ये वो वेबसाइट है एंड यहाँ पर लिखा है द 15 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली यू मस्ट विजिट। आई मीन आखिर कौन हॉन्टेड प्लेसेस पे जाता है, यूट्यूबर्स को छोड़कर। तो इस वेबसाइट पे ना लाइक टोटल ऑफ 15 बहुत हॉन्टेड जगह लिखी हैं दिल्ली की, जैसे कि ये संजय वन हो गया, अग्रसेन की बावली हो गई, फिरोज शाह, कोटला फोर्ट, ये तो दिखने में ही बहुत ज्यादा स्कैरी लग रहा है एक्चुअली। बट इसमें से एक जो जगह जो मेरे को बहुत ही ज्यादा लाइक यू नो फैसिनेटिंग लग रही है वो है लुथियन सिमेट्री। सो मैं ना कब्रिस्तान में आज दिन तक कभी भी गया नहीं हूँ, एंड ये जो दिल्ली की है ना सेकेंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पे आती है एक्चुअली। इसका ना एक्चुअली एक पूरा का पूरा बैक स्टोरी भी है कि आखिर ये जगह इतनी हॉन्टेड क्यों है। ओके बॉयज, सो अभी मैंने पूरा का पूरा स्टोरी देखा इस लुथियन सेमेट्री का। इसकी दो स्टोरी जो मोस्ट पॉपुलर है वो मैंने अभी पढ़ ली है। मैं एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ कि आखिर ये सेमेट्री का स्टोरी क्या है। फर्स्ट वन इज ओके, बट द सेकेंड वन लाइक मेरे को बहुत अच्छी लगी। सो ये सेमेट्री का स्टोरी ऐसा है कि ये एक इंडियन सेमेट्री थी, ठीक है, बट ये ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा पसंद आ गई, तो यहाँ पे जो लोग दफनाए गए थे उनको ब्रिटिशर्स ने निकाला, एंड उनकी जगह जो ब्रिटिशर्स की बॉडी थी उनको वहां पे गाड़ दिया, यानी वो इसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने एक्चुअली सारी बॉडीज को नहीं निकाल पाया, वहां पर उस टाइम पर भी कुछ इंडियन बॉडीज थी। तो फर्स्ट इसका हॉन्टेड स्टोरी ऐसा ही है कि रात के टाइम यहाँ पे जो इंडियन बॉडीज है एंड जो ब्रिटिशर्स बॉडीज है वो एक दूसरे से फाइट करती हैं कि कौन यहाँ पे रहेगा। आई मीन दिस वन इज काइंड ऑफ फनी कि भाई लाइक उस टाइम पर भी लड़ाई कर रहे थे लोग, अभी भी लड़ाई कर रही है। बट इसके साथ इसका एक और सेकेंड स्टोरी है जो कि बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करता है हमारा एक और जगह से, जो कि तुम्हें वीडियो के आगे पता लगेगा। सो इसकी सेकेंड स्टोरी है एक हेडलेस गोस्ट के बारे में ऑफ लुथियन सेमेट्री, एंड इस गोस्ट का नाम है निकोलस। सो निकोलस एक ब्रिटिश इंसान था जिसको एक इंडियन लड़की बहुत ज्यादा पसंद थी, बट उसको अपनी लाइफ में वो इंडियन लड़की मिल नहीं पाई, तो वो इस लड़की से ना बहुत ज्यादा प्यार करता था, बट उसको वो लड़की नसीब नहीं हुई। इस चक्कर में उसने क्या किया, उसने अपने गोली मार ली, एंड अभी क्या होता है कि रात में ना लोगों को उसकी बॉडी दिखती है जिसमें उसका सिर नहीं है, एंड वो वही लड़की का नाम पुकार रहा होता है। तो ये है निकोलस की स्टोरी। तो अगर कोई ये सेमेट्री में जाता है तो उसके अंदर निकोलस की आत्मा आ जाती है, एंड फिर वो ना वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है वहां पर। आई मीन देखो ये सेमेट्री दिखने में तो काफी स्कैरी लग रही है अगर मैं झूठ ना बोलूं तो, ठीक है। आई मीन सारे के सारे कब्रिस्तानी स्कैरी लगते हैं, बट ये क्रिश्चियन सेमेट्रीज कुछ ज्यादा ही लगती हैं भाई स्कैरी। सो जैसे कि तुम देख सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर काफी प्लेसेस के बारे में लिखा था, बट ये लुथियन सेमेट्री मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई क्योंकि आज दिन तक मैं कभी भी किसी कब्रिस्तान में नहीं गया, एंड जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। लास्ट ईयर मैं गया था इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड होटल पे चेक करने के लिए कि वो जगह एक्चुअली में हॉन्टेड है कि नहीं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे रूमर्स थे। तो मैं हकीकत में वहां पे गया एंड मैंने वहां पे 48 घंटे स्पेंड किए टू सी कि मेरे को एक्चुअली में कुछ हॉन्टेड फील होता है कि नहीं। सो मेरे को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस सेमेट्री पे जाऊं एंड ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम करूं अपने चैनल पे, क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो वो सब कुछ स्ट्रीम पे दिख जाएगा और हमें ये भी पता लग जाएगा कि ये सेमेट्री एक्चुअली में हॉन्टेड है कि नहीं। तो एग्जैक्टली मैंने ऐसा ही किया, मैंने एक लाइव स्ट्रीम स्केड्यूल करी एंड उसके साथ ही साथ मैंने वाई किया एक गोस्ट हंटिंग डिवाइस जो कि होता है एक ईएमएफ रीडर। तुम लोगों ने ये ईएमएफ रीडर बहुत सारे हॉरर गेम्स में देखा होगा, जैसे कि फेस्मोफोबिया, उसमें हम इसी को लेकर ना घोस्ट की तरफ जाते हैं। इसमें ग्रीन से लेकर रेड लाइट तक का ऑप्शन होता है, अगर वो लाइट ग्रीन है तो इट मींस घोस्ट नहीं है, अगर वो लाइट रेड की तरफ जा रही है तो कोई एंटिटी हमारे पास में है। सो एवरीथिंग इज रेडी, हमारे पास एक ईएमएफ रीडर है, हमने लाइव स्ट्रीम को स्केड्यूल पे लगा दिया है। बट एज आई सेड ये सेमेट्री मेरे को इतनी ज्यादा इसलिए और पसंद आई क्योंकि मुझे इसका स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सो लाइव स्ट्रीम के दिन मैं और मेरे दोस्त निकल जाते हैं ये सेमेट्री के लिए, लेकिन जैसे ही हम वहां पे पहुंचते हैं हमें दिखता है ये। हम 1 किलोमीटर चल के आए और हमें पता लगा ये तो पूरा का पूरा बंद है, और ये अंदर से तो स्कैरी लग रही है भाई। ओके, हम लोग आए थे, पसीने से दिख रहा है तुम लोग को, हम लोग आए 1 किलोमीटर चल के, बट ये बंद है और हम इसको कूद भी नहीं सकते दोस्तों,
कूद तो सकते हैं बट हमारी वो में गुदा में थोड़ा थोड़ी गुदा नहीं है और थोड़ी चोट भी लग सकती है उधर क्योंकि ऊपर ऊपर एक्चुअली पहने पहने वो है। आई गेस वी शुड गो टू म्यूटिनी मेमोरियल। हम एक दूसरी जगह पे जा रहे हैं विच इज लाइक म्यूटिनी मेमोरियल। हाँ एक जगह है कोई एंड इट्स ऑल्सो लाइक हॉन्टेड। हम वहाँ पे जाने की देख रहे हैं या सो या एक्चुअली हम जैसे ही जगह पे गए तो हमें पता लगा कि ये जो सेमेट्री है इसको अभी बंद करके रखा है और हम कूद कर भी इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि कुछ ज्यादा ही पैनी पैनी सी चीजें थी वो गेट पे। तो आई होप यू गेट इट। तो इसके बाद मैं और मेरे दोस्त डिसाइड करते हैं एक और हॉन्टेड जगह जाने के लिए जो कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना स्कैरी होने वाला है। मैं नहीं कर रहा भाई मम्मी कसम वो जल रहा है। तो मैं और मेरे दोस्त अब जाने वाले हैं म्यूटनी मेमोरियल करके एक जगह पे जो कि इस सेमेट्री से ज्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग निकल जाते हैं इस रिक्शा पे एंड जाने के ऑलमोस्ट 4-5 मिनट के बाद मेरे को रिग्रेट होने लगता है। अभी हम ना मीटर से चेक करेंगे कि ये यहाँ पे कुछ घोस्ट एक्टिविटी आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे दोस्त थोड़े गड़बड़ हो गए, आई एम सो सॉरी गाइस, ये जो भी हो रहा है। हम एक्चुअली वो मेमोरियल के काफी पास है एंड फॉर सम रीजन ये EMF रीडर जो है ना अपने आप ग्रीन से रेड हो रहा था एंड एग्जैक्टली एक ही जगह पे। तो टू चेक कि एक्चुअली में ये वर्क करता है कि नहीं करता है हम एक दूसरी जगह पे रुकते हैं एंड इसको दोबारा से चालू करते हैं। ब्रो फट रही है। तो अभी एक्चुअली काफी रात हो चुकी है एंड हम इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और मैं एक्चुअली अपनी स्ट्रीम भी चालू कर देता हूँ। चैट कैन यू हियर मी? लैग। सुनो सो हम ये जगह पे घूमने आए हैं ठीक है। इट्स अ हॉन्टेड प्लेस, इधर देख सकते हो तुम। और मेरे साथ ना ये एक घोस्ट डिटेक्टर है एंड यू वॉन्ट बिलीव ये देखो अभी ग्रीन है। हम इस जगह पे ना ये रेड हो रहा है बार बार। ओके देखो अभी कुछ नहीं है। लुक एट दिस कुछ भी नहीं है एंड डूड मैं देखो रो हमारे पास तो नहीं है ना कोई। आई गेस इंटरनेट थोड़ा सा अटक रहा था इसलिए जो मेरा स्ट्रीम था वो सही से हो नहीं पाया। सो एक्चुअली हम बहुत ऊंची जगह पे थे एंड बहुत जंगल वाली जगह पे थे तो इसलिए वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे थे एंड मेरी स्ट्रीम वहाँ पे डेड हो जाती है। बट हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपनी रिकॉर्डिंग्स को चालू रखेंगे एंड वहाँ पे हम दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं। अभी हम बाहर आए ना, इधर ये पूरा ग्रीन है। लुक एट दिस, ये एक्चुअली में ग्रीन है अभी और उधर साइड तो मैं दिख रहा था ये रेड था। अभी जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे मेरे ऊपर मारो है। मेरे ऊपर मार अभी उससे अच्छा। देखो गाइस ये देखो इसका ग्रीन है, इसके चेहरे पे ना पूरा ग्रीन है। सो कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद हमारे मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम इस एंटिटी से कुछ यस एंड नो में आंसर्स पूछें। एंड यू वोंट बिलीव एक्चुअली इसके बाद जो हुआ वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो अभी हम ना एक क्वेश्चन पूछेंगे लाइक इससे, तो अगर ये लाइक यस एंड नो में आंसर करेगी, अगर ये यस बोलती है मतलब जो भी स्प्रिट है वो यस बोलेगा तो ये रेड तक जाना चाहिए और अगर स्प्रिट यस नो बोलती है तो ग्रीन तक रहेगा ठीक है। सो आर यू अ स्प्रिट? नो डूड। आर यू अ घोस्ट? सो यार जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैं एक्चुअली उससे यस एंड नो में आंसर पूछ रहा था एंड वो एक्चुअली मैं आंसर कर रहा था। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो एक स्पिरिट या गोस्ट या कुछ भी था बट स्टिल ये हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि आखिर ये मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है और आखिर ये ग्रीन से रेड क्यों हो रहा है एंड रेड से ग्रीन फिर कैसे हो रहा है, हम तो उसको हिला भी नहीं रहे हैं। तो इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए और एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके बाद हमें महसूस होता है कि भाई हमें ना इसके साथ खेलना नहीं चाहिए, वी डोंट नो ये स्पिरिट असली है कि नहीं है। तो हम वहां से निकलने लगते हैं। Whoever you were, I respect you and thank you. हमने जो भी किया उसके लिए माफी, अभी ग्रीन हो गया, प्लीज हमारा पीछा मत करना, अभी ग्रीन है, ये हमेशा ग्रीन रहे। ओके तो हम वहां से बाहर आ गए हैं एंड अभी हमारा एक दोस्त आने वाला है जिसका नाम है मैक्सटन एंड मैक्सटन को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये जो मशीन है ये रेड साइन दे रही है तो उसको खुद से ये चीज एक्सपीरियंस करनी थी। ओके गाइस सुनो देखो हमारे साथ कौन आया है, अभी सिर्फ हमारी
पड़ी थी, अभी मैक्सटन आया है। यो मैक्सटन इज हियर। तो मैंने इसको बुलाया यहाँ पर। देखो पता अभी हमारे साथ क्या हुआ? कहाँ गए थे हम? गए थे उधर साइड, एक हॉन्टेड वाली जगह है वहाँ पर। हमें लगा कि सब मजाक है, हम मजाक में गए और मस्ती में ये ले गए। लाइक दिस थिंग, ठीक है? क्या ये अभी तो देखना ना, ग्रीन है, रेड होके ना हमारी ऐसी की तैसी होगी वहाँ पे। तो पहले तो हमने मैक्सटन को ये क्लिप्स दिखाई जो वहाँ पे हुआ। सो ये क्लिप्स दिखाने के बाद भी मैक्सटन को भरोसा नहीं हो रहा था, तो हम निकल जाते हैं दोबारा से उसी जगह की तरफ। देखो आई एम सॉरी वापस आने के लिए, बट वी आर एक्चुअली सॉरी। मैं मजाक कर रहा था। कैन विल यू फॉरगिव अस? वेट रेड जा रहा है ये। विल यू फॉरगिव अस ब्रो? नहीं, वी आर सो सॉरी, प्लीज विल यू फॉरगिव अस। क्या डूड, हमने वो ग्रीन पर ही रह रहे थे। देखो हमने पता क्या बोला था, हमने बोला था कि अगर रेड पे जाता है ना तो यस, और इफ ग्रीन पे रहता है तो नो। और इसने क्या क्वेश्चन पूछा है, विल यू फॉरगिव अस? ओ अभी रेड हो रहा और भी ग्रीन हो गया। तुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ तो है, देखो लग रहा है ना, राजीव सा फील हो रहा है, फील हो रहा है देखो। क्योंकि हम एक्चुअली, मैं मान नहीं सकता कि ये वर्क नहीं करता, यहाँ पे आने के बाद ये हमेशा रेड हो जाता है। मैक्सटन तो कोई क्वेश्चन पूछ, अगर यस होगा ना तो रेड होगा, नो होगा तो ग्रीन पे रहेगा। पूछ, क्या तुम कुत्तों की मौत मरे हो? नो नो बोल रहा। क्या तुम एक वॉरियर की मौत मरे हो? डू यू थिंक यू वर अ वॉरियर? क्या तुम इंसानों की मौत मरे हो? ओके, माइल्ड रिएक्शन, माइल्ड रिएक्शन। ओके हम चले, शुड वी एंड दिस गेम? ओके, डू यू सपोर्ट LGBTQ कम्युनिटी? ओके, माइल्ड रिएक्शन, कल्चरल गोस्ट। एक्चुअली मेरे पास आंसर्स नहीं है कि ये सब कुछ सच था कि नहीं, बट या इनमें से कुछ चीजें थी जिनका आंसर मेरे पास नहीं है। बट ये चीज के हुए अभी 3-4 दिन हो चुके हैं एंड मेरे को अभी तक कुछ खराब महसूस नहीं हुआ। मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ पे कुछ था, बट इट वॉजेंट लाइक यू नो, हमारे ऊपर कुछ हावी नहीं हो रहा था वहाँ पे। बट हाँ, वो मशीन कुछ ना कुछ तो हमें बता रही थी। तो इसी से मेरे को याद आया कि जब मैं अपने घर पे वापस आया, तब मैंने सोचा कि आखिर हम जिस जगह पे गए थे इसकी असली स्टोरी क्या है। तो मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च किया। ओके, तो जब मैं गया था तब मेरे को ये म्यूटनी हाउस यानी म्यूटनी मेमोरियल जो दिल्ली का है, इसकी मेरे को फुल इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आखिर हम जिस जगह पे गए थे उसकी स्टोरी क्या थी। एंड अभी मैं इसकी स्टोरी के बारे में पढ़ रहा था। एक्चुअली बहुत सारी वेबसाइट पे अलग अलग स्टोरीज हैं, ठीक है, बट दिस वन मेरे को काफी अच्छा लगा। एक स्टोरी मेरे को समझ में आई, इसमें काफी तरीके के गोस्ट है, इसमें ये बंदा यहाँ पर गया भी था और इसने अपना एक्सपीरियंस भी बताया। इसने अपनी विजिट में ये भी लिखा है कि इफ यू आर प्लानिंग अ विजिट हियर, माय सजेशन इज टू विजिट ओनली इन मिड डे एंड स्ट्रिक्टली इन अ ग्रुप, यानी सिर्फ दिन में आने का और हमेशा एक ग्रुप में, कभी भी इस जगह पे अकेले नहीं जाने का। सो मैंने अभी पूरा पढ़ लिया इसके बारे में और मेरे को इसकी काइंड स्टोरी समझ में आई है। तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है, इट वॉज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ सोल्जर्स हु पार्टिसिपेटेड इन 1857 द फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवोल्ट। तो जो सोल्जर्स मर गए थे ना 1857 वाली लड़ाई में, उनकी याद पे ये बनाया गया था। बट अभी आती है इसकी हॉन्टेड स्टोरी। तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे जो लोग शहीद हुए थे ना, उन्हीं में से एक मोस्ट पॉपुलर गोस्ट है जिसका सिर नहीं है कोई, ठीक है, एक तरीके से। एंड वो काइंड ऑफ फ्रेंडली है, वो इतना खराब नहीं है, वो काइंड ऑफ फ्रेंडली है। लोगों ने बहुत बार देखा है कि वो रोड पे घूम रहा होता है एंड वो सिगरेट वगैरह मांगता है। सो एग्जैक्टली यही स्टोरी है कि यहाँ पे बहुत सारे हेडलेस बॉडीज जो है ब्रिटिश सोल्जर्स की, वो लोगों को दिखती है, वो लोगों से लाइट वगैरह मांगते हैं उनकी सिगरेट के लिए। एंड ये चीज एक नहीं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर देखी है। बट अभी तक ये जो सोल्जर्स हैं, इन्होंने किसी को हर्ट नहीं किया है, ये जस्ट लोगों को रास्ते में चलते हुए दिखते रहते हैं एंड एक नहीं बहुत सारे लोगों ने इनको नोटिस किया है। सो या, ये था मेरा एक्सपीरियंस ऑफ गोस्ट हंटिंग। सो एक्चुअली हम लोग गए तो थे मजे में, बट हम वापस आए विद अ डिफरेंट माइंडसेट। आई मीन हमारा जो एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा था। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि वहां पर एक्चुअली में कोई गोस्ट था या गोस्ट नहीं था, ये मैं तुम लोग के ऊपर डालूंगा। इफ यू आर थिंकिंग कि आखिर मेरे और मेरे फ्रेंड्स का इसके ऊपर क्या कहना है, तो हियर यू गो। सो वीडियो शूट करके जब से आए हैं तब से मैं तो फ्लैट पे अकेला ही हूँ, क्योंकि तू और डेस्क तुम्हारे होम टाउन गए हो। सो मे बी बिकॉज मेरे को अकेले होने की वजह से लग रहा होगा ये, बट मेरे को थोड़ा पैरानॉइड फील हो रहा है, जैसे मैं बार बार पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मेरे पीछे कोई है या नहीं। मतलब मेरे को ऐसा महसूस होता है बीच बीच में कि मैं अकेला नहीं हूँ, बट मे बी दैट्स जस्ट बिकॉज मैं अकेला रह रहा हूँ, बट या ऐसा फील हो रहा है।
इन दोनों को देखो यहाँ पे रोशनी पे आके बैठ गए बिकॉज डर लग रहा है।